हेलो फ्रेंड, नीना एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी झारखंड का भूगोल, और इस क्रम में मैं आप लोगों को आज संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, जिसे SPT एक्ट भी कहते हैं, इसके बारे में अध्ययन कराऊंगी। इसके पहले मैंने CNT एक्ट करा दिया है, आप लोग उसे भी पढ़ लें, क्योंकि CNT एक्ट से भी आपके JPSC PT में 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं और इससे भी 5 नंबर के प्रश्न बनते हैं, और अन्य जो नियम अधिनियम बने हैं उनसे 2 से 3 2 नंबर के शायद प्रश्न बनते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, क्योंकि चूँकि 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं तो पूरे डिटेल से पढ़ना ही उचित होगा। इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव के रूप में नहीं, डिस्क्रिप्टिव के रूप में पढ़ाया है, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके, और इसके बाद जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे जहाँ जहाँ से बनेंगे मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी, और ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा जो किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं झारखंड में। स्पेशली जो JPSC PT के विद्यार्थी हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए पढ़ते हैं। 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। संथाल परगना जिले का निर्माण भागलपुर और वीरभूम के कुछ जिलों को, कुछ हिस्से को लेकर उनसे कुछ हिस्सा लिया गया और संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। इस क्षेत्र का पुराना नाम जंगल तरी ट्रैक था। पहले इस क्षेत्र का नाम जंगल तरी ट्रैक था, इसे ही दामिने को और नरी खंड भी कहते हैं। तो संथाल परगना क्षेत्र का काफ़ी सारा पुराना नाम है, इसे याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। जंगल तरी ट्रैक, दामिने को, नरी खंड और संथाल परगना सभी एक ही, मतलब संथाल परगना का ही पुराना नाम है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह किसी भी शासन काल में किसी के भी अधीन नहीं रहा। जितने भी शासन काल हुए भारत में, मुगलों के या फिर और भी, किसी के अधीन यह क्षेत्र नहीं गया। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो पहाड़िया जनजाति के लोग थे, लेकिन संथाल विद्रोह जब 1855 में हुआ, इसी के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। तो ऐसा हुआ था, जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए थे, झारखंड के क्षेत्र में, तो उन्होंने अपना कब्जा जमाने के लिए बहुत सारे साम दाम दंड भेद अपनाना शुरू किया था। वे फूट डालो शासन करो की नीति ज़्यादा अपनाते थे, तो पहाड़िया और संथाल में ही संघर्ष करवा दिया, और इसी के परिणाम स्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने जाना संथाल परगना क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ। इस क्षेत्र में 1872 में प्रथम रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 पारित किया गया। संथाल परगना क्षेत्र के बनने के बाद पहला जो एक्ट लागू हुआ इस क्षेत्र में, वो 1872 ईस्वी में संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था 1972। यह पहला काश्तकारी कानून था, इस क्षेत्र का पहला काश्तकारी कानून यही था। इसके पहले ऐसा कोई भी कानून नहीं था इस क्षेत्र में। मिस्टर गेंजर के बंदोबस्त रिपोर्ट देखने के बाद तत्कालीन बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937 का गठन किया। मिस्टर गेंजर, इसकी रिपोर्ट देखने के बाद बिहार सरकार ने, चूँकि झारखंड बिहार का ही एक भाग था, उसने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी बैठाई। इसका नाम था संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी 1937, इसका गठन किया। किसकी रिपोर्ट देखने के बाद? तो मिस्टर गेंजर की। इसमें कुल 8 अध्याय और 72 धाराएं हैं। SPT एक्ट के तहत 8 अध्याय हैं और 72 धाराएं हैं। 2 अनुसूचियां इसमें भी हैं। चलिए देखते हैं, पहला अध्याय 1 क्या कहता है। तो इसका नाम है प्रारंभिकी।
अध्याय एक का नाम क्या है? तो प्रारंभिक है। इसमें कौन कौन सी धाराएं हैं? तो एक से चार, इसमें कुल एक से चार धाराएं हैं। मुख्य प्रावधान है क्या क्या? तो इसमें उल्लेख है किसका? संक्षिप्त नामों का, आरंभ, कानून का, विस्तार क्षेत्र का आदि। प्रारंभिकी जो अध्याय है, जो पहला अध्याय है, इसमें कुल चार धाराएं हैं। एक से चार नंबर की जो धारा है वो अध्याय एक में है। मुख्य प्रावधान इसके क्या क्या हैं? तो संक्षिप्त नाम है, आरंभ, कानून का, विस्तार क्षेत्र आदि है। अब हम लोग देखते हैं अध्याय दो को। इसमें क्या है शीर्षक इसका? तो ग्राम प्रधान और मूल रैयत। इसमें किसके बारे में वर्णन है? ग्राम प्रधान और मूल रैयत के बारे में। इसमें धाराएं कौन कौन सी धाराएं हैं? तो धाराएं 5 से 11 इसमें सम्मिलित हैं। धारा 5 से 11 अध्याय 2 के अंतर्गत आती है और इसमें मुख्य प्रावधान है ग्राम प्रधान की नियुक्ति और कबूलियत आदि के संदर्भ में। इसमें क्या उल्लेख है? तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति और कबूलियत। तो इस प्रकार अध्याय दो के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट है अध्याय 3। इसमें रैयत के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें धारा 12 से 26 तक है। मुख्य प्रावधान है रैयतों के अधिकार, उनकी बेदखली, उनके अधिकारों का हस्तांतरण, रैयती भूमि का विनियमन, हस्तांतरण और निबंधन। ये सभी मुख्य प्रावधान हैं। अगला अध्याय है अध्याय 4। इसमें है बंजर भूमि और खाली जोतों का बंदोबस्त। अध्याय 4 का नाम है बंजर भूमि और खाली जो जोत हैं उसका बंदोबस्त। इसके लिए धाराएं हैं धारा 27 से 42। इसमें धारा है 27 से 42 और इसके मुख्य प्रावधान हैं बंजर भूमि और खाली जोतों की बंदोबस्ती का प्रावधान। इसमें इनके लिए व्यवस्था की गई है। धारा 5, इसमें लगान के बारे में उल्लेख है। इसमें अध्याय 5, इसमें लगान के बारे में उल्लेख है और धारा इसमें 43 से 52 तक है। इसमें प्रावधान लगान संबंधी है, लगान संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 6 में क्या कहा गया है? तो निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन। अध्याय 6 किसके बारे में है? तो निश्चित उद्देश्यों के लिए भूस्वामियों द्वारा भूमि का अर्जन के बारे में है। इसमें धारा 53 है। अब यह नहीं है, अब यह प्रयोग में नहीं लाई जाती, तो इसलिए यह धारा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अध्याय 6 अब प्रयोग में नहीं आता है, इसकी धारा अब प्रयोग में नहीं आती है। अध्याय 7 न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया के बारे में उल्लेख करता है। इसकी धारा है 54 से 63 और इसमें प्रावधान है न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान है इसमें। अध्याय 8 परिसीमन के बारे में बतलाता है। इसमें धारा 64 से 66 है। इसमें उल्लेख है परिसीमा के सामान्य नियम के बारे में। तो परिसीमा के जो सामान्य नियम है उसका प्रावधान किया गया है अध्याय 8 में। इसका नाम ही परिसीमा है। धारा इसमें 64 से 66 है। अध्याय 9, 8 बता दिया, 9 विविध प्रावधान है इसमें। 9 अध्याय कुल पढ़ने थे इसमें, तो ये अंतिम अध्याय है। इसमें धारा 67 से 72 तक है। धारा भी 72 तक ही पढ़ने थे। इसमें कौन कौन से प्रावधान है? तो दंड, नोटिस, तामिला, बकाया वसूली आदि का प्रावधान है। ये विविध प्रावधान से संबंधित अध्याय है और इसमें प्रावधान है दंड, नोटिस, तामिला, बकाया वसूली आदि के संबंध में और इसमें धारा 67 से 72 तक आती है। इसकी दो अनुसूचियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी है। अनुसूची ए और अनुसूची बी। ए में पुराने विनियमनों की निरस्त धाराओं की सूची है। पुराने जो भी विनियमन है उनके निरस्त धारा उसकी सूची है और बी में
मूलवासियों के अंतर्गत आने वाली जनजातियों की सूची है। मूलवासी जो हैं उसके अंतर्गत जो भी जनजातियाँ आती हैं उसके बारे में सूची दी गई है। तो इस प्रकार से दो अनुसूची का भी उल्लेख है। अब देखिए, SPT एक्ट जो है इसमें काफ़ी सारे संशोधन भी हुए हैं, और ये चूँकि हाल फिलहाल के वर्षों के संशोधन हैं इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है एक्ट। इसमें देखिए CNT एक्ट और SPT एक्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें जो भी संशोधन हुए वर्ष 2016 में ज़्यादातर हुए तो उनको कंबाइन लेकर बताया गया है। CNT एक्ट की धारा जो 49 थी, ये पहले यानी कि जब 1908 में CNT एक्ट बना था उस वक्त क्या प्रावधान थे और इसमें बदलाव क्या हुआ इसके बारे में, तो 49 में धारा 49 में पहले 1908 में क्या प्रावधान था, इस धारा के तहत सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही ज़मीन ली जा सकती है। देखिए दोनों तरह के जो एक्ट हैं CNT एक्ट और SPT एक्ट दोनों में संशोधन हुए हैं, तो यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ ये दोनों को लेकर मैं बता रही हूँ कि CNT एक्ट में विशेष संशोधन क्या हुए और SPT एक्ट में क्या हुए। ये CNT एक्ट के बारे में है, CNT एक्ट की धारा 49 इसमें संशोधन हुआ है। इसमें पहले क्या प्रावधान था कि इसमें सिर्फ उद्योग और खनन कार्यों के लिए ही ज़मीन ली जा सकती थी, इसमें संशोधन किया गया 2016 में संशोधन करके क्या किया गया, अब सरकार खनन कार्यों के अलावा आधारभूत संरचना, रेल परियोजना, कॉलेज, ट्रांसमिशन लाइन आदि कार्यों के लिए भी ज़मीन ले सकती है। तो अब ज़मीनों का जो अधिग्रहण है वो अन्य कार्यों के लिए भी हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया और 2016 का संशोधन है ये, तो काफ़ी निकट वर्षों का संशोधन है। CNT एक्ट की धारा 71 को 1908 में पहले क्या प्रावधान था, 71 को में इसके तहत SAR कोर्ट से कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों में हस्तांतरित कर दी जाती थी। जो शेड्यूल एरिया कोर्ट होते थे उसमें कंपनसेशन के सहारे आदिवासियों की ज़मीनों को गैर आदिवासियों में हस्तांतरित करने का प्रावधान था 1908 के में 71 को में, और इसमें संशोधन कर दिया गया 2016 में। अब कंपनसेशन के सहारे ज़मीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं हो सकती, साथ ही SAR कोर्ट में ज़मीन वापसी के लिए मुकदमे भी दायर हो सकते हैं। अगर ऐसा हो चुका है, हस्तांतरित हो चुका है, तो कोर्ट में SAR कोर्ट में ज़मीन वापसी के लिए मुकदमे भी किए जा सकते हैं। CNT एक्ट की धारा 21 और SPT एक्ट की धारा 13, अब इस दोनों में क्या संशोधन हुए, पहले क्या प्रावधान थे, CNT एक्ट की धारा 21 जो 1908 का है, SPT की धारा 13 जो 1949 का है, इसमें क्या बातें थी। पहले मालिक को ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार नहीं था, जैसे कृषि योग्य अगर कोई ज़मीन है तो वो कृषि के अलावा किसी अन्य कार्य को नहीं कर सकते थे। पहले इन धाराओं में ऐसा प्रावधान था कि ज़मीन का मालिक अपने ज़मीन में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था, जो ज़मीन का नेचर होता था बस वही काम कर सकता था। अगर कोई ज़मीन कृषि कार्य के लिए है तो वहाँ पर सिर्फ कृषि ही हो सकती थी, दूसरा कार्य नहीं हो सकता था, किसी प्रकार का उद्योग धंधा स्थापित नहीं किया जा सकता था। 2016 में संशोधन क्या हुए, कैबिनेट ने इसमें संशोधन करते हुए मालिकों को ज़मीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया, अब इस ज़मीन में मकान दुकान आदि का निर्माण हो सकता था। ऐसा संशोधन कर दिया गया कि प्रकृति को बदल सकते हैं, अब उसमें अन्य उद्योग भी कर सकते हैं, लेकिन पुनः क्या हुआ 2017 में इस संशोधन को फिर वापस ले लिया गया, पुनः जो इसका स्वरूप था उसमें उस पर ही इसे छोड़ दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से। तो अच्छे संशोधन हुए थे लेकिन बाद में किसी वजह से इसे वापस ले लिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन प्रावधान थे
सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के संबंध में। तो यहाँ पर मैंने आपको एसपीटी एक्ट के बारे में डिटेल से सब कुछ बता दिया। तो सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट जिससे मिलाकर कुल 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं, वो मैंने आप लोगों को कराया। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मैं बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करती हूँ। मुझे थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो बोलने में थोड़ी कठिनाई होती है, फिर भी मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी दिन आप लोगों का क्लास अब्सेंट ना हो और हर संभव तरीके से अच्छे कंटेंट आप लोगों को दूँ, मेरा ये प्रयास रहता है। आप लोग अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुँचे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। साथ ही अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी हर तरह से तैयारी करना चाह रहे हैं झारखंड में आयोजित होने वाले परीक्षाओं का, तो अनअकैडमी पर भी मैंने काफ़ी सारा कुछ पढ़ाया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग पढ़िए, यूट्यूब के चैनल से भी पढ़िए। मैंने जो भी पढ़ाती हूँ मैं, उसे मैं प्लेलिस्ट में एक जगह अलग से क्रिएट कर देती हूँ प्लेलिस्ट को, और वहाँ आपको हर एक विषय से संबंधित हर एक प्रश्न की जानकारी मिल जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए किया कि आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं हो अलग अलग टॉपिक को खोजने में। तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। मैं हमेशा अलग अलग विषयों को पढ़ाते रहती हूँ क्योंकि प्रशासनिक सेवा की तैयारी कराना मेरा उद्देश्य रहता है, और प्रशासनिक सेवा का जो सिलेबस है वो बहुत सारे विषयों से मिलकर बनता है। तो सिर्फ किसी एक विषय पर मैं फोकस नहीं करती, मैं ज़्यादातर विषयों को लेकर चलना चाहती हूँ जो भी मुझसे संभव होता है। तो आप लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ पढ़ें और अपने कीमती सुझाव मुझे अवश्य दें। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।